सिंह यादव श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित और आदरणीय जनता को मैं इस राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। नमस्ते। मैं अली रजा खान उबैद, इकौना देहातपुर प्रधान प्रत्याशी। आज आज़ादी का जश्न पूरा देश मना रहा है। इस मौके पर मैं समस्त जनपद श्रावस्ती वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और सभी मिश्रा संस्थापक संचालक भगवती प्रसाद मिश्रा मेमोरियल हॉस्पिटल, समस्त क्षेत्रवासी, जिलेवासी व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में गरीबों की संख्या में काफ़ी घाटा हुआ है और करीब 45% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ सके हैं, यानी अब महज 16% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ अपने प्रधान सेवक का, जिनके विजन के आधार पर ये सब कुछ हुआ और देश में गरीबी उन्मूलन की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और जिस जो ज़मीन पर होते हुए दिखाई पड़ी और गरीबों के कल्याण की दिशा में मजबूत काम हो सके। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबी हटाओ का केवल नारा नहीं देते, गरीबों के माध्यम से वो केवल वोट की सियासत नहीं करते, ये इस बात से साबित हुआ है। और जो दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है, उसके कल्याण की चिंता करनी है, गांधी जी का भी यही सपना था, वो सपना दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने साकार कर दिखाया है। अब मैं कहना चाहती हूँ कि आगे भी अगर हमारी सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, तो जो 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं उनके ऊपर भी ठोस कदम उठाया जाएगा। यही कहते हुए आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई।